हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डॉन बॉस्को स्कूल। माई सेल्फ संजीव कुमार पाठक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी एंड द लाइफ प्रोसेस। सो इन द लास्ट लेक्चर आई गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्वोलाई एंड द ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज। क्लियर? इट मींस बेसिकली लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को वेल एक्सप्लेन खत्म कर लिया। अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज विजिट अ प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, वहां पे टैप करिए क्लास 10th को, वहां पे आपको क्लास 10th बायोलॉजी के लेक्चर सारे मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। उन लेक्चर्स को आप देख लीजिए, जो भी आपने लेक्चर वहां पे नहीं देखा हो उसको देख के फिर इसको आगे कंटिन्यू करिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पे बेस्ड है, गैसेस एक्सचेंज। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने खत्म क्या किया था, क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और आपको बताया भी था दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बताया था नहीं बताया था कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे ये थी कि हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में सारी चीजों को कंसाइज करके पढ़ लिया था, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज का लेक्चर हमारा क्या है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज। क्लियर? इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि जो गैसेस हैं, जब गैसेस को इनहेल किया जा रहा है तो इनहेल करने पर वो कहां आ रहे हैं, एक्सटर्नल, ये एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर से आप गैसेस को ले रहे हो, तो एक्सटर्नल नॉस्टिल, एक्सटर्नल नॉस्टिल से कहां गया, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से कहां जाएगा, जब नेजल पैसेज आ गया तो नेजल पैसेज से कहां जाएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहां गया था, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहां गया था, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल का लास्ट पार्ट जो था दैट इज लंग एल्वोलाई, वो क्या था आपका, लंग एल्वोलाई। तो उसी लंग एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इस लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट हेडिंग लगाइए आप लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, तो या गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड लंग एल्वोलाई। तो पहले हेडिंग लगाइए ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं। चलो कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है, समझ लेंगे। इसमें एक सब हेडिंग लगाइए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्या हेडिंग लगाया आपने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो गैसेस का एक्सचेंज है वो किसके किसके बीच होगा, लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में डिस्कस करता है। तो कैसे होता है गैसेस का एक्सचेंज, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखो सपोज, सबसे पहले तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूरी कोशिश करूंगा कि चीजों को डायग्राम पे बेस किया जाए। तो सपोज ये क्या है आपकी लंग एल्वियोलाई, सपोज दिस इज अ लंग एल्वियोलाई, ये क्या है, लंग एल्वियोलाई। अब ये जो लंग एल्वियोलाई होती है, इस लंग एल्वियोलाई में एक लेयर एग्जिस्ट करती है, वॉल एग्जिस्ट करती है। उस लेयर या वॉल को हम क्या कहते हैं, एक लेयर एग्जिस्ट कर रही है,
ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप ग्रीन कलर से देख रहे हो इसे अपन क्या टर्म देंगे, दैट इज कॉल्ड लंग एल्वियोलाई। इसे क्या कहते हैं, लंग एल्वियोलाई कहते हैं। इसके नीचे एक मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रही है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई में पाई जा रही, इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, यहां मत लिखिए, यहां लिखते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद इसी से अटैच फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करेगा, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज ब्लड कैपिलरी। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ब्लड कैपिलरी। इस ब्लड कैपिलरी में जो वॉल एग्जिस्ट करती है, इस ब्लड कैपिलरी में जो वॉल एग्जिस्ट करती है, इस वॉल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वॉल। ठीक है, और इन दोनों को इसे क्या कहते हैं, दैट इज ब्लड कैपिलरी वॉल कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करके अटैच करके, दोनों को अटैच फॉर्म में हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। बासन में क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। तो अब देखो यहां पे, बेसिकली देखो यहां पे आपने क्या, इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले अगर देखोगे तो ब्रॉन्चियोल रहा होगा, ब्रॉन्चियोल, और इस ब्रॉन्चियोल से पहले क्या था, ब्रोंकाई, और इस ब्रोंकाई से पहले क्या था, ट्रैकिया। क्या था, ट्रैकिया। तो जो गैसेस है उनका क्या हो, देखो, और ट्रैकिया से पहले मिचाओ तो लिख लो, ट्रैकिया से पहले क्या था, ट्रैकिया से पहले क्या था आपका, ट्रैकिया से पहले था फेरिंग्स, और फेरिंग्स के पहले क्या था, फेरिंग्स से जस्ट पहले क्या था आपका, इसके पहले आप डिस्कस करोगे तो नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, और इससे पहले जो था वो क्या था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये चीजें थी। ठीक है, क्या था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल था, ठीक। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गैस कहां पर आया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आया नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल। अब जब ब्रोंकियोल में आया, ब्रोंकियोल में आने के बाद ये कहां गया, लंग एल्वियोलाई में, और पूरा का पूरा जो मूवमेंट हुआ ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके अकॉर्डिंग हुआ, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहां से कहां हुआ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो मूवमेंट हुआ वो कौन सा था, डिफ्यूजन था। शुरू में आपको बता चुका हूं कि जो भी गैसेस का एक्सचेंज होगा डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और वहां यह भी बताया था कि डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप खुद एज्यूम करो कि जो एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, हमारे बॉडी में लो है, तो वहां से कहां आया, नेजल पैसेज में, एटमॉस्फियर से, क्योंकि वहां पर ज्यादा था, नेजल पैसेज में कम था। अब नेजल पैसेज में क्या हो गया, हाई हो गया कंसंट्रेशन,
तब नेजल पैसेज से में हाई है, फेरिंग्स में लो है, तो नेजल पैसेज से फेरिंग्स में, अब फेरिंग्स में आ गया तो फेरिंग्स में कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया, लेकिन ट्रैकिया में क्या है, लो, तो फेरिंग्स से कहां चला गया, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया में कंसंट्रेशन हाई है लेकिन ब्रोंकाई में लो है, तो ट्रैकिया से कहां चला जाएगा, ब्रोंकाई में, अब ब्रोंकाई में गया तो ब्रोंकाई में कंसंट्रेशन क्या हुआ, हाई हो गया, तो ब्रोंक, और कहां लो हो गया, ब्रोंचियोल में, तो ब्रोंकाई से कहां चला गया, ब्रोंचियोल में, अब ब्रोंचियोल में कंसंट्रेशन हाई है लेकिन एल्वियोलाई में लो है, तो ब्रोंचियोल से कहां आ गया, एल्वियोलाई में, अब जब एल्वियोलाई में आ गया है तो एल्वियोलाई में आने के बाद अब ये एल्वियोलर वॉल से होता हुआ कहां चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, क्या क्या जाता है, ऑक्सीजन, और ब्लड वेसल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहां चला आता है, लंग एल्वियोलाई, बात क्लियर हो गई कि लंग एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां चला जाता है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला आता है, लंग एल्वियोलाई में, कैसे आता है, कैसे वहां से यहां तक जाने के बाद कैसे आगे सर्कुलेट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना समझो कि यहां से यहां तक चला गया किसके अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां पे कंसंट्रेशन हाई था, ब्लड वेसल्स में लो था, लेकिन अब दूसरा एस्पेक्ट देखें तो ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है लेकिन लंग एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन लो है, तो वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला आया, लंग एल्वियोलाई में चला आया, बात समझ आ गई, कोई डाउट यहां तक, क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं है ना, तो ब्लड वेसल से कहां चला आया, लंग एल्वियोलाई में चला आया, कोई डाउट नहीं है ना, चलो अब कहां तक आ गया, लंग एल्वियोलाई में आ गया, किसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन, यहां पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था, एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन कम था, तो कैपिलरी से एल्वियोलाई में चला आया, बात समझ में आई, अब देखो ये तो हुआ गैसियस एक्सचेंज हो गया किसके किसके बीच, लंग एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच, मतलब एल्वियोलाई से कहां चला गया, ब्लड कैपिलरीज में चला गया, यहां तक क्लियर हुआ, अब ये ब्लड कैपिलरी के आगे कैसे प्रोसीड होता है, कैसे पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होता है, इस चीज को हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, आगे प्रोसीड, यहां तो अब देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन जो था कहां आ गया था, ब्लड कैपिलरी में आ चुका था, CO2 ब्लड कैपिलरी से कहां चला गया, लंग एल्वियोलाई, अब जब लंग एल्वियोलाई में आ गया तो फिर वापस सर्कुलेशन होगा ना, मतलब अब यहां से ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से सॉरी ब्रोंचियोल से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज से एटमॉस्फेयर, मतलब नेजल पैसेज से यहां से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, और CO2 आपके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो गया, बात समझ में, अब लेकिन ये डाउट क्रिएट होगा, आपने कह तो दिया सर कि यहां पे CO2 आ जा रहा है, ये CO2 कैसे आ जा रहा है, और यहां पर जो ऑक्सीजन इंटर हो रहा है ये इसके आगे कहां प्रोसीड हो रहा है, कैसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं, चलिए आगे देखते हैं, हो गया यहां तक, चलो अब देखो अभी तक कहां आ चुका था, आपका जो ऑक्सीजन था, यहां पे लिख लो पहले की चीजें, जो ब्लड कैपिलरी थी, इस ब्लड कैपिलरी में क्या इंटर हो चुका है, लंग एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो था वो इंटर हो चुका है, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, अब जब ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आ गया तो ब्लड कैपिलरी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, फटाफट बोलो, एक बार बता चुका हूं, इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा आरबीसी, क्या एग्जिस्ट करेगा, आरबीसी, और हम जानते हैं कि आरबीसी केवल क्या कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन, अच्छा एक चीज करो, इसको थोड़ा ऊपर कर लो यार, नीचे हो जा रहा है, यहां से लिखते हैं, तो ये क्या था आपका, ब्लड कैपिलरी, गैस कहां तक आ गया था, ब्लड कैपिलरी तक आ चुका था, तो ब्लड कैपिलरी तक क्या आया, ऑक्सीजन आया,
ब्लड कैपिलरी तक ऑक्सीजन आ गया। अब देखो, जब ब्लड कैपिलरी तक ऑक्सीजन आ गया तो ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, आरबीसी होगा, क्या होगा, आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, क्या होगा, हीमोग्लोबिन। यही अपना की यूनिट है, यही अपना की कंपोनेंट है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो हीमोग्लोबिन जो है दैट विल बी कंबाइंड विद ऑक्सीजन विच कम्स फ्रॉम द लंग एल्वोलाई। अब ये हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ विच कम्स फ्रॉम लंग एल्वोलाई, जो कहां से आया हुआ है, लंग एल्वोलाई से। जब दोनों ऐड होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड HbO2, क्या बनेगा, HbO2, एंड दैट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। टर्म जरूर याद रखना, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया और ये कहां गया है, ब्लड में गया है, और डाइजेशन के थ्रू दूसरा पाथवे भी यहीं पे देखो, ये तो रेस्पिरेटरी का पाथवे था, अगर यहीं पे देखा जाए दूसरा पाथवे, तो जो डाइजेशन हुआ था, डाइजेशन के होने के बाद जब एब्जॉर्प्शन हुआ था, तो एब्जॉर्प्शन से जो फूड था वो एब्जॉर्ब होके कहां पर चला गया था, बताइए, एब्जॉर्प्शन होने से फूड कहां चला गया था, ब्लड में, कहां चला गया था, ब्लड में, और ब्लड में मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा था, फूड मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में अगर कहोगे तो ग्लूकोज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अब HbO2 आ गया, जैसे ही ये ब्लड में आया, ये HbO2 कहां पे आया, ब्लड में, अब इसी के फॉर्म में पूरे बॉडी में, होल बॉडी में ये क्या होगा, सर्कुलेट होगा, पूरे बॉडी में ये क्या होगा, ऐसे ही सर्कुलेट होगा, होल बॉडी में, पूरे बॉडी में ऐसे सर्कुलेट होगा। जब ये बॉडी में सर्कुलेट हुआ तो जैसे इसको ग्लूकोज मिला, तो ग्लूकोज के मिलते ही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डीअटैच होगा, यहां से ये ऑक्सीजन आएगा और इसके साथ कंबाइन करके और क्या प्रोड्यूस कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। ये रिएक्शन लिखा चुका हूं, रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। चाहो तो पूरा लिख लो, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 ATP रिलीज होगा। तो यहां पे जैसे ही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकला, तुरंत जाके ग्लूकोज को तोड़ दिया, CO2 मिल गया। अब देखो यहां पे क्या मिल गया, CO2 मिल गया। अब ये CO2 अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो टॉक्सिक रहेगा, तो अब इसे बॉडी के आउटसाइड एक्सक्रीट करना है। अभी आपको कहा था ना कि ये CO2 आ कहां से जा रहा है, कैसे उसका कंसंट्रेशन ब्लड वेसल्स के अंदर हाई हो जा रहा है, तो यहीं से हो रहा है। अब जितना ऑक्सीजन आया सब हीमोग्लोबिन से अलग हो गया, डीअटैच हो गया, और सब के सब क्या करेंगे, रेस्पिरेशन कराएंगे, ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करेंगे, तो फटाफट क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, CO2, तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तब ये CO2, अब जब CO2 बढ़ गया और ऑक्सीजन सब कंज्यूम हो गया, केवल यहां पर क्या बचा, CO2 बचा, दैट CO2 कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। अब वही CO2 हीमोग्लोबिन के साथ, वही CO2 हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, कंबाइन करेगा, और इसे आप क्या टर्म दोगे, दैट इज कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, इसे क्या कहोगे, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन कहोगे। बात समझ आ गई, HbCO2 बन गया। अब इसी के फॉर्म में ये कहां चला जाएगा, HbCO2 पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर कहां पहुंचेगा, लंग एल्वियोलाई में, और फिर लंग एल्वियोलाई में पहुंचेगा तो वहां पर ये क्या होगा, हीमोग्लोबिन से डीअटैच होकर केवल CO2 के फॉर्म में पहुंचेगा, और फिर बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यही पूरा फाइनल पाथवे था कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होगा। ये आपका आज जो था पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट लेक्चर में खत्म कर लिया था, गैसेस एक्सचेंज, ये सारी चीजें आज खत्म हो गई। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा डाउट होगा तो उस पर वीडियोस बना दी जाएंगी। इसके साथ साथ दूसरी चीज, जिसने भी लेक्चर देखा होगा वो सब वाई कमेंट करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक फ्रेश एंड न्यू टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे हम लोग, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो मस्ट वॉच, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।